नमस्कार भाई और उनकी बहनों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल लंड तक में, आपके दे पीछे। तो आज हम करेंगे एक बहुत जरूरी बात आपके साथ। अगर आप हो एक भोली सी बेटी के बाप, तो बनाना पड़ेगा उसको चालाक, वरना करके कोई इसका यूज मार देगा उसके लात लात लात। बाप रे बाप, अब कैसे करूँ इस विषय पर अपनी भोली बेटी के साथ बात। आइडिया, ये काम मैं नकुल के ऊपर छोड़ देता हूँ, वही समझा सकता है अपनी बहन को। बस नकुल बेटा। जी पापा। बेटा, तूने कभी अपनी बहन को ट्रेनिंग दी है? ट्रेनिंग? किस चीज की ट्रेनिंग? तेरे जैसे दिखने वाले मासूम, नादान, आदर्शीय, पर अंदर से उतनी हरामी लड़कों से बचने की ट्रेनिंग। अब देख बेटा, इस तरह की बातें मैं अपनी बेटी के साथ करता हुआ तो अच्छा नहीं लगूंगा। अब एक हरामी ही तो हरामियों से बचने की टिप्स दे सकता है किसी को, इसीलिए मैंने इस काम को करने के लिए तुझे चुना। पर पापा, मैं इस तरह की बातें अपनी बहन के साथ नहीं करता, मुझे शर्म आती है। बेटा, अगर आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो उसने खुद ही तेरी बहन को ट्रेन कर देना था। अरे पापा, आप इतनी इमोशनल क्यों हो रहे हो? मैं हूं ना। कोई बात नहीं, करता हूं मैं बात उसके साथ, आप बस मेरा थोड़ा सा साथ दे देना। ठीक है बेटा, मैं दूंगा तेरा साथ, बस तू बात की शुरुआत कर दे। ठीक है पापा, डन। पर इस समय तो वो अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही होगी ना? अरे सिंगिंग तो वो कल भी कर लेगी, इससे पहले कि चिड़िया चुग जाए, चिड़िया चुग जाए खेत, उसे ज्ञान देना जरूरी है। तू चल मेरे साथ। बेटा, तुम ये गायकी का ज्ञान किस महान उस्ताद से ले रही हो? पापा, मैं तो YouTube के ट्यूटोरियल्स को देख के सीख रही हूँ। पर इस प्रकार की गायकी तो श्री जोनी सिन उस्ताद ही सिखा सकते हैं। बस पापा, आप मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, अगर कोई जरूरी काम है तो बताओ। हाँ बहन, मेरे को और पापा को तुझे एक बहुत जरूरी बात समझानी है। इतनी क्या इम्पोर्टेंट बात है जो आपको मेरी सिंगिंग क्लास के बीच में ही करनी है? बताओ। मेरी बेटी, स्कूल में तुम्हारी कितनी सहेलियाँ हैं? तीन चार तो हैं। और सहेले? सहेले? What do you mean? अरे पापा, लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं, अगर तेरे कोई दोस्त है तो बता। पापा, वैसे तो मैं लड़कों के साथ ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती हूँ, पर हमारी क्लास में दो तीन लड़कों के मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, और मेरी मैथमेटिक्स तो शुरू से ही बहुत वीक है, और मैं भी अपनी मैथ स्ट्रॉन्ग करना चाहती थी, इसीलिए मैंने उनको अपना फ्रेंड बना लिया। तो वही दो तीन मेरे फ्रेंड है बस। अरे बेटा, तू उनसे दूर रह कर। क्यों पापा, वो तीनों तो बहुत अच्छे लड़के हैं, वो मेरी स्टडी में भी कितनी हेल्प करते हैं। अरे गधी, मेरी बात मान ले, वरना वो एक दिन तेरे साथ थ्रीसम सॉल्व कर देंगे। पापा, आप कहना क्या चाहते हो, जरा खुल के बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसे। अरे पापा, आप रहने दो, मैं समझाता हूँ इसको। अच्छा बहन, सपोज कर कि पापा और मैं घर पर नहीं है, और तू घर में अकेली है, और इतने में ही तेरा दोस्त तेरे घर पे आ जाता है। अब वो डोर पे नॉक कर रहा है, अब तू ये बता कि उसे घर में आने देगी या उसे ये कहेगी कि बाद में आना? भैया, पर झूठ बोलना तो पाप होता है ना, मैं उसे क्यों बोलूंगी कि मैं घर में बिजी हूँ, मैं तो घर पे अकेली हूँ। मैं तो बल्कि उसे घर में लाऊंगी, उसको चाय पानी देने के बाद उसके साथ एंटरटेन होने के लिए हाइड एंड सीक खेलूंगी। अरे मेरी बहन, तेरे साथ लुक्कन छिप्पा खेलने के बाद वो अपने सारे दोस्तों में बताएगा कि कैसे तुझे ढूंढा, कैसे तुझे पकड़ा, कैसे तुझे अपना पकड़ाया, कैसे तूने उसका दबाया, कैसे उसने तेरा हिलाया। यार तू समझ क्यों नहीं रही मेरी बहन? भैया आप ये क्या अनाप शनाप बोली जा रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है आपका ना दिमाग खराब हो गया। आप मेरे रूम से बाहर निकलो, मुझे नहीं करनी आपके साथ बात, निकलो मेरे रूम से बाहर। अच्छा अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। हे भगवान, मेरी भोली बहन को कुछ तो अकल दे के भेजता तू, पता नहीं क्या बनेगा इस बेचारी का आज के जमाने में। थैंक गॉड। हेलो, देखा इन दोनों का कैसे चूतिया काटा। हम आज भी ना ग्रुप स्टडी का बहाना लगा के ओयो चलेंगे, ठीक है? और तुम इस बारी छतरी जरूर लेके आना, पिछली बारी मुझे कितना भिगा दिया था तुमने। आज नहीं थकूंगा मैं। क्या कहा तू? तेरी कुल्फी तो 5 मिनट में ही पिघल जाती है, तो रह नहीं ले। पापा, आप गए नहीं थे, आप यहीं पे थे, क्या हो गया आपको? ए नकुल, एम्बुलेंस को फोन कर, पापा को पता नहीं क्या हो गया, जल्दी इधर आ। अरे पापा, ये क्या हो गया पापा को, क्या कर दिया तूने बहन पापा के साथ?
तुझे समझाते समझाते पापा शहीद हो गए, पर तुझे अकल नहीं आई बेवकूफ। Mm-hmm.